खेल सियासी, खिलाड़ी कौन? देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासी कुरुक्षेत्र में कौरव कौन, आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बीजेपी और कांग्रेस पर लगातार हमले कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल ने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बता दिया। उधर राहुल के तपस्वी और पुजारी वाले बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल कांग्रेस को तपस्वी बताते हैं और बीजेपी को पुजारी। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल गांधी के विवादित बयान और मेरे दूसरी ओर देख रहे हैं आरएसएस पर राहुल ने क्या क्या हमले किए। आज हल्ला बोल में हम इसी सवाल पर बहस करेंगे कि आखिर कौन है सियासी कुरुक्षेत्र का कौरव। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार आरएसएस पे हमले कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उन्होंने संघ की तुलना कौरवों से कर दी। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के दो तीन सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई। ये बहुत गलत है। राहुल गांधी को पहले कुछ दिन जाके आरएसएस की शाखा अटेंड करनी चाहिए, फिर वो आरएसएस के बारे में कुछ किया। जिस चीज के बारे में आप जानते ही नहीं, उसके बारे में आपको ज्ञान बांटने का क्या अधिकार है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को न धर्म से कुछ लेना है, न देश से कुछ लेना है। अब दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखिए, इसकी जड़ में है राहुल गांधी का ये बयान। हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी पर हमला करते करते राहुल गांधी ने तपस्वियों और पुजारियों पर टिप्पणी कर डाली। इसके बाद ब्राह्मण समाज आग बबूला हो गया। धर्मगुरुओं और तपस्वियों ने भी मोर्चा खोल दिया। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भी मंदिरों में बैठे हैं और पुजारियों का बहिष्कार जैसा लग रहा है कि उनके लिए उनकी भावना अच्छी नहीं है, तो आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। दरअसल ये पूरे राजनीतिक हथकंडे हैं। भारत तपस्वियों का भी देश है, भारत पुजारियों का भी देश है, भारत ब्राह्मणों का, सवर्णों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, सबका देश है। राहुल के बयान पर सियासत भी तेज हुई, बीजेपी ने निशाना साध लिया। राजनीति के लिए धर्म इस्तेमाल करते हैं। जय श्री राम का नारा इसलिए नहीं लगाते कि उनकी आस्था है, वो इसलिए लगाते हैं कि उनको इससे राजनीतिक फायदा पहुंचे। हर एक काम के लिए, हर एक वर्ग के लिए हमको ध्यान रखना होता है, चाहे वो तपस्वी हो चाहे पुजारी हो। अगर पूजा करने तो ये भी गए थे कुरुक्षेत्र में परसों, कल पूजा करने गए थे ना। विवाद बढ़ा तो राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई दी और कांग्रेस को तपस्वियों की पार्टी बताई। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी, और उस यात्रा ने इसको क्लियर कर दिया है कि यह तपस्या का संगठन है। राहुल गांधी ने हर हर महादेव कहने पर भी बीजेपी और आरएसएस को घेरा था। इस पर बीजेपी ने वीडियो जारी कर दिया। आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। अब देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते ये। क्यों नहीं कहते? नहीं, मैंने सोचा इसके बारे में, क्यों नहीं कहते हर हर महादेव, क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। हर हर महादेव, हर हर
नमः पार्वती पते। बहरहाल कड़ाके की ठंड में राहुल गांधी के टी शर्ट पहनने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों का जवाब राहुल पूरे अंदाज में दे रहे हैं। आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। ठंड को लेकर राहुल गांधी ने जो कहानी सुनाई और जिस प्रण की बात की उस पर बीजेपी ने निशाना साधा। परवेश वर्मा ने ट्वीट किया, उन गरीब बच्चों के पास जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं होगी, प्राइवेट जेट नहीं होगा, लिटियंस में बंगला नहीं होगा, उन सबको त्यागने के बारे में क्या ख्याल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो हरियाणा से पंजाब में दाखिल हो चुकी है और यहां भी विवाद जारी है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद और राष्ट्र प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं, राशिद किदवई साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहले मैं आज दुबे जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। अभय दुबे जी, ये पुजारी तपस्वी तो बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि खुद राहुल गांधी भी तो पूजा करने जाते हैं, उन्हीं पुजारियों से पूजा कराते हैं, पुजारियों का देश ने ये कहने की जरूरत क्या थी? कुरुक्षेत्र पहुंचे तो आरएसएस कौरव लगने लगे, देखिए क्या मतलब है इसका। हाँ अंजना जी, कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि से राहुल गांधी जी ने इस अहंकारी सत्ता को चुनौती दी है और सनातन भारत का इतिहास साक्षी है। अहंकार में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश, न मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। जब ये कुरुवंश की अहंकारी सत्ता को पांडवों ने चुनौती दी थी तब अंतिम प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण गए थे कौरवों की सत्ता के पास। उन्होंने क्या कहा था? दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को साधने चला, जो था असाध्य उसे बांधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। राहुल गांधी जी भी अंतिम प्रस्ताव लेकर भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं 3,500 किलोमीटर की। राहुल गांधी जी के भी 5 प्रस्ताव है इन कौरवों की अहंकारी सत्ता के लिए। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक उन्माद को ये सत्ता बंद कर दे। उन्होंने कहा कि आकंठ बेरोजगारी में डूबे हुए युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित कर दे। उन्होंने कहा कि देश को महंगाई से निजात दिलाए। उन्होंने कहा कि धन्ना सेठों की अकूत संपत्ति और संसाधन जो सत्ता जुटा रही है उसको बंद कर दे। संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बंद कर दे। ये 5 प्रस्ताव राहुल गांधी जी ने भी दिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर अभी तक। जी सवाल याद भी है या फिर आपने से आपने तपस्या 2 प्रश्न मुझसे पूछे थे जी, जी। तपस्या को लेकर एक पुजारी को लेकर। उन्हीं पुजारियों से तो पूजा कराते हैं, तो पुजारियों का देश नहीं है मतलब क्या? और पुजारी बीजेपी वाले हैं, हम तपस्वी हैं, मतलब क्या? राहुल गांधी जी का भावार्थ और उनके आगे के वक्तव्य को सुनिए ध्यान से कि ये खुद की पूजा कराने की कुचेष्टा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, या आत्म पूजन की बात करते हैं। और तपस्या क्या है? तपबल ते जग सुजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता, तपबल शंभु करी संधारा, तपबल ते अगम न कुछ संसारा। अर्थात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से सृष्टि की रचना की। राहुल गांधी जी ये कहना चाहते हैं, वो कहते हैं भगवान विष्णु ने पालन किया, भगवान शंकर ने संहार किया, और तपस्या से ऐसी कोई चीज नहीं है जो हासिल नहीं की जा सकती। और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति पूजा में और सत्ता की पूजा में लगी रहती है, इसलिए राहुल गांधी जी को ये कहना अच्छा, पड़ा। ये हर हर महादेव वाला सर, ये हर हर महादेव वाला, क्योंकि हमने सुना दिया प्रधानमंत्री जब जब काशी जाते हैं तो हर हर महादेव से ही शुरू करते हैं। नहीं तो सत्ता की सीढ़ी धर्म इनके लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। राहुल गांधी जी ने कभी धर्म को सत्ता के सीढ़ी के संदर्भित विषय पर प्रयुक्त नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं राहुल गांधी जी के लिए अंतिम बात करके अपने वक्तव्य को विराम देता हूं कि भारत का नेता राहुल है, अतुलित यशक्रेता राहुल है, सर्वधर्म प्रणेता राहुल है। वो भारत को जोड़ते जाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके जो राहुल के मग में? राहुल जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं, इनको भी पिघला देंगे राहुल गांधी जी, याद रखिएगा। इतनी विनम्रता, सदाशयता, संयम, सद्भाव, सदाचार उनमें है कि अंततः भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री जी को उनकी सारी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा और उस आचरण को, उस प्रशस्त मार्ग को अंगीकार करना पड़ेगा जिस पर राहुल गांधी जी चलना चाहते हैं या चल रहे हैं। आपको भी पिघला देंगे, पानी बना देंगे सुधांशु जी, राहुल गांधी।
देखिए अवैध दुबे जी ने जो राहुल गांधी जी के ऊपर कविता बोली उसी में मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं कि राहुल जहां जहां भी जाते हैं कांग्रेस को पानी पानी करते जाते हैं। वो ज्यादा उनकी मुझे लगता है उपसंहार उसका बेहतर होगा। हाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज राहुल गांधी जी ने कहा कि कौरवों की बात, तो अंजना जी कौरवों की जो महाभारत हुई थी उसमें तो एक युवराज था ना, जिस युवराज को येन केन प्रकारेण सत्ता देनी थी, और एक धृतराष्ट्र थे जिनकी की आंखें बंद थी, उनको अपने युवराज के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहां धृतराष्ट्र नहीं गांधारी तो हैं जिनको युवराज को स्थापित करना है, और वहां पर भी एक पितामह भीष्म भी थे जो बहुत योग्य थे, मगर क्या करें हस्तिनापुर के सिंहासन की मर्यादा से बंधे थे, तो 10 वर्ष तक डॉक्टर मनमोहन सिंह पितामह भीष्म की भूमिका में रहे, तमाम योग्यता के बावजूद युवराज की हर तेवर को सहते रहे, चाहे अध्यादेश फाड़ा गया चाहे उनके ऊपर जो भी उनके साथ हुआ वो एक अलग विषय है। तो जहां तक कौरव और पांडव की बात है तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है आज देश की जनता को कि महाभारत के लिए कौरवों का सबसे बड़ा करेक्टर दुर्योधन का परिलक्षण कहां पर होता है, रिफ्लेक्शन किसमें दिखाई पड़ता है, बहुत साफ दिखता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि भगवान कृष्ण जब गए थे मांगने के लिए तो आपने जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मरथी की पंक्ति बताई हम उसी के आगे की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल यही मुझे दृश्य याद है जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार थी, राम जन्मभूमि का विषय आया था और बातचीत हुई थी, तो कहा गया था कि साहब सिर्फ 3 जन्म स्थान हमें चाहिए, काशी मथुरा और अयोध्या छोड़ दीजिए, बाकी हम सब छोड़ने को तैयार हैं। तो कहा गया था एक भी चीज नहीं साबित करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता के अहंकार पे आप बैठे हुए। तो मुझे याद है मैंने अखबार में पढ़ा था स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने बाहर आकर यही बोला था कि मुझे वही कौरवों की सभा याद आ रही है, और जो आपने पंक्ति बोली उसके आगे की पंक्ति आप ही के लिए जनता ने वो रूप भगवान कृष्ण का दिखाया, जब भगवान कृष्ण दुर्योधन से कहा था अब द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, द्रग कहते हैं आंखों को, अब द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। अब वो गत काल भी आपने देखा, अनागत काल भी देखिए, देश की जनता ने वो विराट रूप दिखाया कि आज आप कहां पर और बाकी जो लोग धर्म के साथ खड़े थे वो कहां पर। आज दोनों मेधावी प्रवक्ताओं को देखकर हमारे दर्शक भी हैरान होंगे कि आज वो सियासी बहस सुन रहे हैं या धार्मिक बहस सुन रहे हैं। लेकिन लेकिन सुधांशु जी ये बताइए, राहुल गांधी जी सुनिए ना, जारी पे भी तो बहुत राहुल, ठीक है बोलिए आप उस पर भी बोलिए, लेकिन राहुल गांधी का मतलब और अर्थ यही है जो समझ में आ रहा है कि अच्छाई और बुराई का वो जिक्र कर रहे हैं, कि जो परेशानियां हो रही हैं देश में, नफरत की बात वो कर रहे हैं, वो सब वो सीधा भेज रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के खाते में, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोग हैं जो तप करके, जो वो तप कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में इस ठंड में, उसके जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ हम इनसे बात कहना चाहेंगे, जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं तप कर रहे हैं, जनाब 100 वर्षों से आपका तप देख रहे हैं और 100 वर्षों से हमारा संघ का तप देखिए। मोतीलाल नेहरू जी का जलवाये जलाल ये 2023 है ना, 1923 में, यह बात तो राशिद किदवई जी को भी पता होगी, नाभा की जेल में नेहरू जी गए तो उनके लिए फल, अच्छा खाना, खानसामा, कपड़ा सबकी व्यवस्था की गई। उसके बाद से क्या कहा जाता था, नेहरू जी के कपड़े धुलने जाते थे, कितना बढ़िया तप होता था, पेरिस में कपड़े धुलने जाते थे, कैम्ब्रिज के हर दरवाजे के ऊपर एक एक गाड़ी खड़ी रहती थी। फिर राजीव गांधी जी के जमाने में कितना बढ़िया तप था कि यहां से कॉर्बेट नेशनल पार्क तक वो गाड़ी ड्राइव करने का शौक था तो सब तरफ ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया जाता था, लक्षद्वीप में जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए, और यही महान तपस्वी अभी कुछ दिन पहले तक तो हर 6 महीने के बाद छुट्टी मनाने विदेश में जाते थे। जनाब इतनी जल्दी जनता नहीं भूलती कि आप एक चीज कहेंगे, कहेंगे तप, और आपके सारे पीछे के परंतप जो हैं लोग भूलते चले जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है, तपस्या वो है जो 100 वर्षों से संघ ने करके दिखाई, 4 पीढ़ी से हजारों हजार लोगों ने अपना घर परिवार छोड़कर इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे कह के अपना सारा जीवन लगाया और भारत की उस जनता को सही दिशा दिखाया। संगीत रागी जी को ध्यान होगा संघ का एक गीत था जो हम लोगों ने बचपन में गाया है, हम केशव के अनुयायी हैं हमने तो बढ़ना सीखा है, उसकी एक पंक्ति थी, अंधकार में बंधु भटकते पंथ बिना व्याकुल दुख सहते
पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। चाहे नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद से मुकाबला हो, कश्मीर में मुकाबला हो, नक्सलियों से मुकाबला हो, क्रिश्चियन मिशनरीज की मुकाबला हो, प्राणों की आहुति देके किया, अन्यथा तो आज भारत का सारा ट्राइबल समाज कन्वर्ट हो गया होता, क्या क्या नहीं हो गया होता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से लेकर आज तक तपस्वियों की परंपरा हमारी तरफ है और बाकी युवराज बिगड़ा हुआ जिसे सत्ता चाहिए वो आपकी तरफ। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए अभय जी, एक एक बार इन दोनों से कमेंट ले लूं, उसके बाद से आप दोनों आपस में लड़ते रहिएगा। जरा ये बताइए रागी जी पहले से हंस रहे हैं। नहीं, जो आखिरी लाइन थी उसकी, उन्होंने कहा कि हमने तो जलना सीखा है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि आपने जलाना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं देश में धर्म के आधार पर आप लोगों को झोंक रहे हैं। देखिए, आपने हमसे सबसे पहले पूछा क्यों आप हंस रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मुझे लगता है जब राहुल गांधी जब जब उनका सुनते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, तो मुझे लगता है राहुल गांधी इज ए कंप्लीट सिनेमा जिसमें फुल एंटरटेनमेंट 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 उनके लिए, यदि कोई एक वाक्य उनके लिए दिया जाए, टैगलाइन दिया जाए, तो राहुल गांधी फुल एंटरटेनमेंट है अपने आप में। उनको सुन करके देखिए, राहुल गांधी पर यदि आप गंभीरता से बहस करेंगे तो आप बहस को गिरा देते हैं। राहुल गांधी की बातों पर मुझे तो कभी कभी दया आती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर। बेचारे अभय दुबे जी बड़े बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन जिस भाषा में राहुल गांधी को, जिस विराट रूप में राहुल गांधी का उन्होंने उनके वक्तव्य को, शायद राहुल गांधी जो नहीं सोचे होंगे उसकी भी व्याख्या उन्होंने कर दी, तो मुझे कई बार लगता है कि इनके प्रवक्ताओं को कितनी दिक्कतें होती होंगी। दूसरी बात, इन्होंने एक बात अभय दुबे जी ने बहुत अच्छी कही, कहा जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वाकई नास, उस नास तो राहुल गांधी पर, विवेक तो लगता है कुंद है ही। मुझे लगता है जिनके साथ वो लेकर के चलते हैं, जिन वामपंथियों के घेरे में आकर के और एनजीओ के घेरे में आकर के वो रोज राहुल गांधी जो आरएसएस को गाली देते हैं। एक चीज आपको और बता दूं, जो भी पार्टियां, जिन जिन पार्टियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली दी है वो राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं। इनकी दादी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली देना बंद कर चुकी थी। एक चीज आपको बता दूं, ये जानकारी के लिए आपको बता दूं। और जब जब राहुल गांधी और जब जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली देती है, उन्होंने कहा ना, कोई बुजुर्ग आरएसएस का स्वयंसेवक भी जिन्होंने अपने खाकी निकर को कहीं रख दिया होगा वो भी ढूंढ करके अगले दिन शाखा में आ जाता है। यानी कि हम उनसे ज्यादा ताकतवर है। और क्या तपस्या है, बनवासी कल्याण आश्रम 44,000 गांवों में काम करती है, कांग्रेस का एक संगठन जरा बताएगा। सेवा भारती जो है मलिन बस्तियों में जाकर के काम करती है, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। कभी इनको पता है जो एकलव्य विद्यालय चलाते हैं, जहां पर जाकर कोई एक संस्था इस भारत का अंदर किसी भी क्षेत्र से आप ले, कोई ऐसा काम कर, 4.5 लाख से भी ज्यादा सेवा के प्रकल्प चलते हैं, 4.5 लाख से। और उसके बारे में आप क्या क्या, अरे पुजारी को लेकर के, तपस्वी को लेकर के, रामकृष्ण परमहंस क्या थे भाई, वो भी तो पुजारी, माँ भक्त के, माँ काली के पुजारी ही थे। ठीक है, अभय जी इसका जवाब देंगे, अभय जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे राशिद किदवई जी से एक सवाल का जवाब लेने दीजिए। राशिद जी, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और कांग्रेस पार्टी को इतने करीब से समझने के आधार पर एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या वाकई राहुल गांधी को फायदा हो रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से? क्या उनकी शख्सियत, उनके इमेज में, छवि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है? हमने बीते दिन भी सुना शरद पवार ने कहा कि वो विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन क्या दूसरी तरफ एक के बाद एक उनके जो बयान आ रहे हैं जिनको लेकर बीजेपी अट्टहास कर रही है, क्या उससे वो ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं? दोनों तरफ किसका पलड़ा आपको भारी दिखता है? क्योंकि कई बार वो कहते हैं आप जिसे देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी मर चुका है, मतलब आप धर्म को पढ़िए तो आप समझिएगा राहुल गांधी नहीं है। कई बार वो कहते हैं कि ठंड को लेकर वो कुछ बयान देते हैं, कई बातें उनकी ऐसी है जिसको लेकर बीजेपी उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पूरी मुहिम छेड़ देती है मजाक उड़ाने की। फायदा या नुकसान, राशिद जी? अंजना जी, देखिए फायदा या नुकसान ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन
एक बात है जो गांधी जी की तरफ से एक कथन कहा जाता है कि कभी कभी हम अपने विरोधियों के कारण आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने अपने जो व्यक्तित्व दे रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं, उससे एक तरीके से खलबली मची हुई है। आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि पुजारी कौन और तपस्वी कौन। यही मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक उपलब्धि है कि उन्होंने कांग्रेस में भी, देखिए अंजना जी, एक सोच पैदा हो गई थी कि हमें भाजपा की एक बी टीम बननी है। जिस तरीके से अभी एके एंटोनी ने और पी चिदम्बरम बखाना ने कहा था, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे थे, या ये होना था कि मेजोरिटी कम्युनिटी का साथ लेके या उनके बिना, उनके प्रभाव के बिना या उनको साधे बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो राहुल गांधी एक ऑल्टरनेटिव है कांग्रेस के लिए भी, एक चिंतन और एक गंभीर विषय है कि क्या आस्था को लेकर के इस तरह का पब्लिक डिस्कोर्स होना चाहिए। फायदा नुकसान तो बाद में होगा। मुझे लगता है ये जो खलबली बची है, ये अंजना जी, मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी के एक सियासी तौर पर एक उपलब्धि है कि उसको गंभीरता से ये तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है। ये खलबली ही उनकी उपलब्धि है। इस पर सुधांशु जी, छोटा सा एक लाइन का सर। हाँ। राहुल गांधी रोज अपने, सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा, रागी साहब एक लाइन का जवाब दे। देखिए खलबली नहीं है, राहुल गांधी रोज मजाक के विषय बनते जा रहे हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन जो उनके जो प्रवक्ताओं की जो चाटुकार परंपरा है, उनको ये समझ में नहीं बात आ रही है कि देश की जनता जो है, नेता की कोई प्रशंसा करेगा तो चाटुकार हो गया। आप नहीं कर रहे हैं या सुधांशु जी नहीं कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री? मैं मानता हूँ ये उनकी मजबूरी है, मैं बिल्कुल सही है, ठीक है, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन जो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं अपनी बात कह दूं, बहुत जल्दी से अपनी बात कह दूं। राहुल गांधी जब जब मुंह खोलते हैं तब तक वो मजाक के विषय बन जाते हैं। वो लगते हैं जैसे, मैंने ऐसे नहीं कहा कि वो एंटरटेनमेंट 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 है। यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तब भी कोई ऐसी गंभीर बात नहीं करेंगे। जब आपने देखा कि अपने आप शिव जी को पढ़िए, अरे भाई, यानी मुझे लगता है राहुल गांधी वेद पुराण उपनिषद पढ़ करके बैठे हुए हैं क्या? इनसे हिंदू धर्म आदमी सीखेगा? वो उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो बड़ा गंभीर बातें कर रहे हैं, लेकिन वो हंसी के पात्र होते हैं। बीजेपी की खलबली ही उनकी उपलब्धि है। इस पर आपका जवाब। अंजना जी, जहां तक खलबली की बात कही रांची जी, तो मैं राहुल गांधी जी की बात का समर्थन करना चाहता हूं। सही कहा उन्होंने, देश पुजारियों का देश नहीं है, कांग्रेस की नजर में पुजारियों का देश नहीं है, जॉर्ज पुनिया जैसे पादरियों का देश है, जो ये कहते हैं कि मेरे मेरे मैं इस धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि जूता पहन के चलता हूं कि टच ना हो जाए। कांग्रेस की नजर में देश मौलवियों का देश है, पुजारियों का नहीं है। क्योंकि मौलवियों को क्या मिलता है? मदरसे भी मिलेंगे, वक्फ बोर्ड भी मिलेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मिलेगा, सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलेगी, इसके अलावा जरूरत पड़ने पे तो शरीयत की पनाह मिलेगी और पुजारियों को ठेंगा मिलेगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से एक सुविचारित वक्तव्य दिया है जो उनके उस वोट बैंक के लिए बहुत आवश्यक था। जो एक एंटोनी जी ने कहा था कि अल्पसंख्यक तो हमारे साथ है, तो पहले उसको सेट किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा था एक एंटोनी साहब ने, अब मंदिर भी जाना पड़ेगा, टीका भी लगाना पड़ेगा, तो वो भी करके दिखाना है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आज स्वर्ण मंदिर में गए थे, तो स्वर्ण मंदिर तो स्वर्ण मंदिर है ना, मंदिर में अरदास या पूजा करने के लिए जाते हैं, तपस्या करने के लिए जाते हैं, बताइए तो कहां गए थे फिर वहां? अभय जी, और देखिए इससे पहले उन्होंने महाआरती भी की है बीते दिन, एक दिन पहले। अंजना जी, वही तो मैं कह रहा हूं ना, समूचे देश को आपके शो के माध्यम से ये बात बता दूं, रोज भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता टेलीविजन पर झूठ बोलता है, इतिहास साक्षी है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने यह प्रावधान किया था देश के समूचे शासकीय संधारित मंदिरों के लिए मंदिरों के पुजारियों को न सिर्फ मानदेय मिलता था, कई एकड़ जमीन मंदिर के साथ उनके परिवार के भरण पोषण के लिए दी जाती थी, जो आज भी मौजूद है। और सारे कांग्रेस शासित प्रदेशों ने उन पुजारियों का मानदेय तीन तीन गुना बढ़ा दिया। आपने दशकों से जो कांग्रेस पार्टी के समय छोड़ा गया था वही मानदेय पर गुजारा आज भी पुजारी कर रहे हैं, और सिर्फ मोदियों का प्रलाप यहां पर आप आलापते हैं। क्या है राम राज्य की अवधारणा जिस पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी चल रहे हैं? जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई नृप अवसी नरक अधिकारी, जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। भगवान प्रभु श्री राम के मूल मंत्र क्या थे उस कुल के? वचन की मर्यादा और न्याय। आप रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग करते हैं,
और न्याय जिसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। आप मंदिर का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी ने कहा था हम राम राज्य के न्याय की मर्यादा के साथ खड़े हैं, जब भी न्यायालय फैसला देगी हम उसको आत्मसात करेंगे। आपने क्या कहा देश को? आपने 90 के दशक में कहा कि हमें सत्ता दे दीजिए, कोई न्यायालय राम जी के मंदिर की आस्था का फैसला नहीं कर सकती, सत्ता दो मंदिर दे देंगे। जब सत्ता दी तो कहा गठबंधन की मजबूरियां हैं, पूर्ण बहुमत दीजिए। आज मंदिर कैसे बना? आज मंदिर न्यायालय के निर्णय से बना। क्या भूल गए 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी तमिलनाडु गए थे और तमिलनाडु की सभा में कहा कि मैं अन्ना दुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, सेतु समुद्रम परियोजना अर्थात राम सेतु तोड़कर रहूंगा। ना सिर्फ तोड़ने का संकल्प लिया, बजट में 2000-2001 में प्रावधान कर दिया, 4.5 करोड़ रुपए का पहला बजटरी प्रोविजन आपने किया। आपने क्या कहा सदन में? माता सीता के पैदा होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आज राम सेतु को भी आपने नकार दिया। तो आपके छद्म वेश धारण मत करना बंद कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी भगवान प्रभु श्री राम की न्याय की मर्यादा के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की उस मर्यादा के साथ खड़ी है जिसमें भगवान शंकर जब हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते हैं तो समुद्र मंथन के दौरान कालकूट नाम के विष को कंठ में धारण करते हैं ताकि सृष्टि का नाश बचाया जा सके। आप विश्वमन करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर सिर्फ सत्ता चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की तरह हिंदू धर्म को कांग्रेस पार्टी अपनाती है जो चीर को प्रदान करते हैं, चीर हरण करने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी रहती। राहुल गांधी उनके न्याय की लड़ाई लड़ते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, इसीलिए तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि उस प्रशस्त मार्ग पर मैं चलना चाहता हूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पूछना चाहता हूं, बड़े आपने गान की बात की, एक 10 सेकंड आपने बड़े बड़े गान की बात की, मैं चुनौती देता हूं 1947 के पहले वंदे मातरम का उद्घोष आपके कंठ में होता तो आप बर्तानिया की जेल में होते। जब मातांगी हाजरा वंदे मातरम का उद्घोष 1942 में कर रही थी और 5-5 गोलियां तामलुक जिले में बंगाल में खाई, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ सरकार में बंगाल की ये प्रस्ताव दे रहे थे कि आजादी के आंदोलन को 1942 की कैसे कुचलना है। वीर सावरकर सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मुस्लिम लीग के साथ साझा सरकार चला रहे थे और वहां प्रस्ताव पारित हुआ अलग पाकिस्तान बनाने का। पाकिस्तान का प्रस्ताव जिन लोगों ने पढ़ा उनके साथ भी आपने सत्ता चलाई। हमें अब इस बात का आप उदाहरण मत प्रस्तुत करिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि सभी संस्थाओं सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रति मेरी आस्था है, लेकिन वो रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो प्रशस्त मार्ग देना चाहते हैं। आप उनकी आलोचना जितनी चाहे करिए मगर वो अपने मार्ग से डिगेंगे नहीं। उनका दृढ़ संकल्प है, वो सत्ता के भोग के पीछे नहीं जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय मिल जाए, वो चाहते हैं कि संसाधनों की लूट। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। अभय जी भारत से भाग रहे हैं, अभय जी अभय जी अभय जी अभय जी अभय जी सुधांशु, इनके से दो फैक्ट में उत्तर देता हूं। पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता कैसा झूठ बोलते हैं। अरे भाई, जिन मंदिरों को आपने सरकारी संपत्ति बना दिया उनको तो देना ही पड़ेगा ना, पर एक भी मस्जिद है जो सरकारी संपत्ति है? बगैर सरकारी संपत्ति हुए किसी को सरकार से तनख्वाह मिलती हो तो बताइए। वक्फ बोर्ड में आपने मौलवियों को वो पावर दे रखी है कि वो डीएम और एडीएम को सीधे आदेश कर सकते हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, आउट ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सीधा ऑर्डर दे सकता हो, यहां तक कि काजी को क्वासी जुडिशियल अधिकारी। मैं चुनौती से पूछता हूं, किसी पुजारी को अधिकार है क्वासी जुडिशियल ऑर्डर पास करने का, यानी जिसको कहा जाए एक प्रकार से न्यायिक आदेश प्राप्त करने का? किसी को अधिकार है डीएम को देने का और बगैर सरकार के द्वारा उसके संस्थान का अधिग्रहण किए हुए सरकारी खजाने से सैलरी प्राप्त करने का? फैक्ट ये है, इसलिए यही तो मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी का जो स्वरूप है वही आप करने। और दूसरा, आपने एक चीज और बोल दी, मैं उस पर भी साफ कर देना चाहता हूं, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कब प्रस्ताव पारित हुआ पाकिस्तान का? 1946 की प्रोविंशियल असेंबली में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी। खान अब्दुल गफ्फार खान कभी पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। उनका एलानिया बयान है कि कांग्रेस ने हमें भेड़ियों के हाथों में छोड़ दिया। सबसे बड़े नेता फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कहां की बात आप कर रहे हैं कि उस नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस में प्रस्ताव पारित हो गया? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं सच कितना भी हो, आप लोग कितना भी उसको बचाने का प्रयास करें बचता नहीं है। पर अंजना जी, एक लाइन और कह दूं, इनको बड़ा पुजारी को लेके प्रॉब्लम है और हाफ पैंट को लेके संघ वालों के ऊपर बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में कुछ प्रतीक हैं, जैसे हाफ पैंट बोला जाए वेशभूषा का तो सबको समझ में आ जाता किसके लिए बोला जाए, वैसे ही एक और प्रतीक था खद्दर। खद्दरधारी बोला जाए तो सबको समझ में आता था कांग्रेसी के लिए बोला जा रहा है। एक बहुत बड़े अच्छे शायर हुए हैं अयोध्या के, तो फैजाबाद नाम था, रफीक सदानी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि सारा सांप्रदायिक जो जमाव है वो क्या कांग्रेस के नेता करते थे। उन्होंने एक लाइन कही थी, न तो नमाजी न तो पुजारी,
यानी आपका दोनों में से किसी लेना देना नहीं है, न तो नमाजी न तो पुजारी, तुम ही शिकारी तुम ही मदारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। ये आपने 50-60 साल जो किया ये एक सामान्य भाषा में बोलता हुआ कवि ये बता रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अब जो जो देश जागरूक होता चला गया वो सारी चीजें लोगों के सामने स्पष्ट रूप से आती चली गई। और पुनः मैं कह रहा हूं, जो जो डेमोक्रेसी मैच्योर हुई, जो जो मीडिया स्वतंत्र हुआ, जो जो जुडिशरी स्वतंत्र हुई, जो जो देश में साक्षरता बढ़ी, त्यों त्यों भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा, कांग्रेस का प्रभाव कम होता चला गया। चलिए इससे पहले कि अभय दुबे जी आप इसका जवाब दीजिए, आइए आपको सुना देते हैं पंजाब पहुंचने पर इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा के अकाली दल कैसे हमला बोल रहा है गांधी परिवार पर, सुनिए फिर चर्चा आगे लिए चले। जेड़े कांग्रेसी भाजपा च राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं, मैं तो उन्होंने कहते कि पहले आपकी जमीर तो तुसी सवाल करो कि जिस गांधी खानदान ने पंजाब के टोटे टोटे किए, टुकड़े टुकड़े पंजाब करके राजस्थान हरियाणा हिमाचल की कुछ पंजाब नू किथे करके छड़ता, ये जवाहर लाल नेहरू ये परदादे की देन सी। इंदिरा गांधी ने जो दो वड्डे हमले पंजाब के उत्ते होए ने, साडे धार्मिक स्थानों के उत्ते हमला इंदिरा गांधी टैंका तोपा के नाल दरबार साहब अकाल तख्त साहब तहटेरी करन वास्ते कोई कसर नहीं छड़ी, फिर वो एदा जिन्हें कतलेआम किए। इस गांधी परिवार ने जिन्नी दहशत पंजाब के सिखा के उत्ते, इन्हू अज तक इस परिवार ने माफ़ी नहीं मंगी। इसका अभय दुबे जी इसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि वो सीधे सीधे गांधी परिवार को जिम्मेदार मान रही है, पंजाब के जो भी इतिहास है सब कुछ लेकर उन्होंने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। अंजना जी देखिए, दोनों बातों का, सुधांशु जी भी और उनका भी, इतिहास साक्षी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सत्ता की अपेक्षा देश आगे रखा है। सबसे पहली शहादत महात्मा गांधी की हुई, वो भारत के विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार को एक रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शहादत दी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने दी। इंदिरा गांधी जी भी चाहती तो कह सकती थी कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है, मगर उनकी प्राथमिकता क्या थी? उनकी प्राथमिकता थी कि जो खालिस्तान की मांग उठ रही थी, जिस पर उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस घटना के बाद जो लेख लिखा है, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, उन्होंने लेकिन इंदिरा गांधी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की, नानाजी देशमुख के लेख पढ़ लीजिएगा आप। तो ये इंदिरा गांधी जी के पास अवसर था, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चीन के लिए कहता है ना वह कोई आया है ना घुसा है। हम चाहते थे देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना, और जो बाद में हिंसा हुई उसके लिए समूची कांग्रेस पार्टी ने क्षमा मांगी, शहीद सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। कांग्रेस पार्टी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया, इसलिए राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई भी आरोप लगाए। सुधांशु त्रिवेदी जी क्या गलत कहा मैंने बताया? 1943 का वो इतिहास उठाकर देख लीजिए, वीर सावरकर जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई, और क्या था, हमारी सरकारें बनी थी 39 के समय में सारे दौर में, लेकिन हमने बरतानिया हुकूमत के खिलाफ शंखनाद किया और सारी सत्ताओं को त्याग दिया। उसके बाद आप लोगों ने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई जो पहले मुस्लिम लीग के साथ थे, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रजा पार्टी बना ली थी, और सावरकर जी ने मुस्लिम लीग के साथ दोनों प्रांतों में सरकार बनाई। उतना तो ठीक है साहब, 2012 में भी आपने सरकार स्थानीय निकाय की नागपुर में मुस्लिम लीग के साथ बनाई, और यहाँ उदाहरण देते हमको पाठ पढ़ाते हिंदू धर्म का, क्या ये सही नहीं है कि सैफुल्ला फारूक दुर्दांत आतंकवादी, कश्मीर का कश्मीरी पंडितों का हत्यारा जिसको सजा हुई 10 साल की, उसको आपने कश्मीर में वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, दुर्दांत आतंकवादी, उसको विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन जो भारत के गृह मंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा था, जिसको गांव वालों ने पकड़ा, जो पाकिस्तान की परस्ती में यहां हथियार सप्लाई करता था। रियाज अटारी जिसने कन्हैया लाल की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं थे, और हमको पाठ पढ़ाते हैं यहाँ, ये छद्म वेश धारण करके पोषित करते आतंकवादियों को, और यहाँ हिंदू सनातन धर्म की उपमाएं देते हैं। हिंदू सनातन धर्म कहीं भी क्या, राम राज्य की अवधारणा क्या है? देहिक भौतिक देविक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चली, सर्वधर्म सुरत श्रुत नीति, अर्थात सभी लोगों में कोई बीमारी कोई रोग नहीं था, सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे, और आपस में वैमनस्य रहित समाज में जिस प्रकार रहा जाता है रहते थे। मुझे आज दुख हुआ, संगीत रागी जी ने कहा वनवासी, वनवासी कैसे साहब, आदिवासी हैं, अनादि काल से जिनका भारत पर हक है वो आदिवासी लोग हैं। हमारे एक सांसद ने बहुत अच्छी व्याख्या लोकसभा में की है, उन्होंने कहा भगवान प्रभु श्री राम जब वन में गए थे वन गमन के लिए, तो वो वन
उपवास किया उन्होंने, लेकिन जहां शबरी ने उनको फल खिलाया वो आदिवासी थी। आप ये भी विभेद करना चाहते हैं, आप आदिवासी समाज से उनका हक नहीं 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 अभय जी, अभय जी आप वही बात कह रहे हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज इस देश के लिए बोलते हैं। अभय जी आप वही बात कह रहे हैं जो क्रिश्चियन मिशनरी ने इंडिजेनिटी को लेकर के इस देश में बयान दिया है। आपको मालूम शायद नहीं है कि भारत सरकार ने यूएन में के भारत सरकार ने यूएन में एफआईआर कर रखा है। ठीक है आपकी बात, चूंकि आपने उन पे स्पेशली कमेंट किया है, अभय जी प्लीज एक बार जवाब देखिए। इनको शायद नहीं मालूम है क्रिश्चियन मिशनरीज ने 1993 में ये चलाया था कि जो मिशनरी ये जो आदिवासी हैं ये मूल यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं, बाकी सब तो बाहर से आए थे। अरे आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो उन्हीं लोगों ने गढ़ा था ना, ये तो क्रिश्चियन मिशनरियों की देन थी। और उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू है वो भी बाहर से आए हैं, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर एटली ने कहा कि जितना इनको यहां रहने का अधिकार है उतना ही हमें भी यहां रहने का अधिकार है। जैसे इस्लाम के मानने वाले बाहर से आए, जैसे हिंदू बाहर से आए, वैसे हम भी बाहर से आए और हमें भी उतना ही है। और यही इसी अभियान को क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंडिजिनिटी को लेकर के कहा था। और आपको मालूम नहीं ये कांग्रेस की ही सरकार है जिसने कहा था कि इंडिजिनिटी भारत के सारे लोग जो है वो मूल निवासी है, ये हमारा नहीं है, ये आप ही के कांग्रेस की सरकार की ये तो हमने कब इनकार किया हुआ है। इसलिए हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, आप तो आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं यानी कि बाकी जो वहां के आदिवासी हैं वही मूल निवासी और बाकी सब हम लोग तो सब बाहर से आए थे। अरे आर्यन इन्वेजन थियरी बहुत पहले खत्म हो चुकी है साहब, आर्यन माइग्रेशन थियरी भी पहले इसको डंप कर दिया गया है। दूसरी बात जरा धैर्य रखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के युवराज जिन जिन संगतियों में, संगति का बड़ा असर पड़ता है और आप तो बड़ा रामायण वाले, दुष्टों की संगति के बारे में कम से कम 114 पेज तक तो तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़ी वंदना की है उनकी, उनकी संगति मतलब से उनका बचे उससे बचे रहने के लिए। लेकिन राहुल की संगति किनके साथ है? जेएनयू ब्रिगेड के साथ है, मेधा पाटकर के साथ है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। और उनको यह सीख दी गई है कि देखिए आपका एक मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक जो था, जो बड़ा वोट बैंक था वो आपसे बिखर गया है, दलित एक तरफ बिखर गए हैं, तो आप लाएंगे कैसे? मुसलमानों का वोट जो 18% के आसपास का है वो कैसे आपके पास आएगा? उनको लाने के लिए वो पूजा कर रहे हैं हर जगह, उनको लाने के लिए वो आरती कर रहे हैं हर जगह। देखिए वो तो उनका छद्म रूप है, वो तो छद्म रूप है। यदि इतना इनको भारत जोड़ने में, इमरा आप जो है जो कहता है कि नरेंद्र मोदी को गले काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, और आपको उत्तर प्रदेश में आप उसको चुनाव का इंचार्ज बना देते हैं। कमलनाथ जाकर के आपके कहते हैं, मुसलमानों की भीड़ के बीच में आकर के कहते हैं भाई 96-90% से ज्यादा निकल करके आना, तभी हम जीतेंगे, नहीं तो हम हार जाएंगे। आपका बैप्टिस्ट चर्च जो है वो आपके लिए पत्र जारी करता है, और बैप्टिस्ट चर्च कौन है किसको मालूम नहीं है। ठीक है राशिद साहब, एक कमेंट आपके लिए बैठक करता है राशिद साहब, और आप कहते हैं कि हम बड़ा सेकुलरिज्म के पुरोधा है। अंजना जी देखिए, हम जब राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए कि उनमें कॉमन सेंस होता है, हारे जीते जो भी है उन्हें पता होता है। अगर हम 80-20 की बात करते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल इतना मूर्ख और बेवकूफ नहीं होगा कि वो केवल 20% जो वोट है, जो जिसको अगर हम माइनॉरिटीज के वोट कहते हैं, उसी की तरफ पूरा ध्यान लगाए और 80% वोट को नजरअंदाज कर दे। कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों तरफ इस बात की पूरी एक कश्मकश है और प्रयास किए जा रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज को अपनी तरफ खींचा जाए। वो उस प्रयास में कितने सफल होंगे असफल होंगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बातें कहना मुझे लगता है कि अनुचित है। देखिए धर्म और आस्था और राजनीति का जो 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 जोड़ है उसको लेके बहुत सारी हमारे देश में पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका सब चीजों का हम यहाँ पर अभी उल्लेख नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हर आदमी, हर राजनीतिक दल, हर शख्सियत स्वतंत्र है कि वो अपना रास्ता कैसे चुनना चाहता है और उस पर कैसे चलना चाहता है वो उस करे, और जनता जो है वो फैसला देती है कि वो उस चीज को पसंद करती है या नापसंद करती है। ठीक है अभय जी, आप जवाब एक दे दीजिए, उसके बाद से सुधांशु जी आपसे कमेंट लूंगी, क्योंकि आरपी सिंह जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पंजाब से नेता आते हैं, उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है, काश राहुल गांधी अकाल तख्त पर जाकर अपने पिता और कांग्रेस द्वारा किए गए सिखों के कत्लेआम की माफी मांगते और जत्थेदार अकाल तख्त साहिब ने से इन दुष्कर्मों के लिए सजा लगवाते। अब देखिए ये एक अलग टोन अब पंजाब में उठाया जा रहा है। अभय जी नहीं, देखिए अंजना जी, हमने तो विनम्रता से
उस घटना के लिए क्षमा याचना की है, इसमें कोई संदेह नहीं, मगर हम अपने प्राणों को आहूत करके भी भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे। आजादी के पहले भी रखा और आजादी के बाद भी रखेंगे। मैं थोड़ा सा संगीत रागी जी को ठीक कर दूं, मैंने कहा उठाया मूल निवासी का प्रश्न, हमने तो सिर्फ आदिवासियों की पहचान के संदर्भित विषय पर बात की जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं स्वीकारता। क्या आपने अपने गुरु गोलवलकर जी ने अपनी पुस्तक में नहीं लिखा, वो सिखों के पृथक अस्तित्व को नहीं मानते, वो लिंगायत समाज के पृथक अस्तित्व को नहीं मानते, वो किसी धर्म के पृथक अस्तित्व को नहीं मानते। भारत का संविधान सबको आजादी देता है अपने अपने धर्म के अनुसार उसके आचरण की, इसलिए आप संविधान से ऊपर उठकर ये बात मत कीजिए। मैं राशिद साहब को भी एक बात कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने कभी भी भारत के बहुलतावाद से समझौता नहीं किया। राशिद जी, हम चाहते हैं कि बहुलतावाद के वटवृक्ष के नीचे आपको मालूम है ना कि मिजोरम में राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जब चुनाव के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मिजोरम में जीत करके आएंगे तो बाइबिल के अनुसार शासन चलाएंगे। हमारी सत्ता धूरी नहीं है राशि था, हमारी धूरी है कि इस देश का बहुलतावाद, इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव, इस देश का विकास और तरक्की बरकरार है। नहीं तो हम भी समझौता कर सकते थे इन मूल्यों के साथ, सत्ता के लिए हमने समझौता नहीं किया। क्या सत्ता के लिए? खालिस्तान आंदोलन को खालिस्तान को खड़ा किसने किया? श्रीमती गांधी ने खालिस्तान को अटल बिहारी वाजपेयी वाला खड़ा किसने किया था? श्रीमती गांधी ने खड़ा किया था। देश रहना चाहिए संगीता जी साहब, हम देश बरकरार रखने के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो आप सांप्रदायिक उन्माद का जहर फैला रहे हैं, हम चाहते हैं कि देश के बेरोजगार युवाओं को राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े और सरतन से जुदा के नारे के खिलाफ भी एक लाइन बोल देते ना, जरा बोल तो देते, तस्लीमा नसरीन के साथ खड़े हो जाते राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती। सुधांशु जी अब जवाब दीजिए, सुधांशु जी वो कह रहे हैं, अभय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भारत के का प्रतीक है। एक सेकंड, कांग्रेस भारत के बहुलता का प्रतीक, बहुलता आप सिर्फ बहुसंख्यकवाद की राजनीति कर, बहुलता इसी में मुझे लगता है कि पूरी बहस का खतरनाक चेहरा भी मैं बिल्कुल बहुलता का कितना खतरनाक चेहरा यहां पर अभी अभय दुबे जी ने कांग्रेस का दिखाया, बहुलता के नाम पर जो राशिद जी ने कहा 80-20 में सब नहीं साहब, ये जो 80 वाला समाज है ना, इसको कहो SC अलग, ST अलग, पिछड़ा अलग, अगड़ा अलग, उसके बाद सिखों को तो अलग किया, लिंगायत अलग, इनकी सरकार ने कोशिश भी की थी। और जो आदिवासी शब्द है, हम आदिवासी भी यूज करते हैं, वनवासी, आदिवासी शब्द अंग्रेजों के आने से पहले, मैं चुनौती से कहता हूं 1861 फर्स्ट सेंसस से पहले, बल्कि 1900 से पहले, अभय दुबे जी आप आदिवासी शब्द कहीं भारत में लिखा दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊं। वनवासी शब्द वनवासी राम है, अरे भाई साहब वनवासी कृष्ण भी थे, अरण्यकांड रामायण में भी है, वन पर्व महाभारत में भी है, मगर अफसोस। और मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आदिवासी को आदिवासी कहते तो राहुल गांधी क्या है यह बताइए, दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण क्या है? अगर उस थ्योरी को जो अंग्रेजों ने प्रोपोगेट किया था भारतीय समाज में विभाजन करने के लिए, कि जो संगीत रागी जी ने कहा कृष्ण मुस्लिम भी बाहर से आए तो अंग्रेज भी बाहर से आए तो सब बाहर से आए तो अंग्रेजों का रहना जस्टिफाइड हो जाए, अभय दुबे जी जवाब दीजिए, अगर आदिवासी शब्द पे कांग्रेस बोलती है तो राहुल गांधी क्या है, विदेशी है कि नहीं? अभय जी बस जवाब दे दीजिए, हम तो मानते हैं सब स्वदेशी है, आदिवासी नहीं, इस देश में अनादिवासी है सब। आदिवासी समाज भारत के सनातन सभ्यता के समय से अस्तित्व में है, मैं चुनौती देता हूं आपको, जैसा हमारे सांसद ने भी व्याख्या की, आप क्यों विभेद पैदा करना चाहते हैं? मैंने कब कहा कि बाकी की जातियां जो है दूसरे देशों से आई, ये तो समूचे विश्व में जातियों का कंक्लूडिंग लाइन, आदिवासी शब्द का ही अर्थ ये है, कंक्लूडिंग लाइन भाई, एक आदिवासी शब्द का ही अर्थ यही है। इसीलिए यह स्वतंत्रता का अमृत काल है मान्यवर, मैकाले और मार्क्स के विष से अपने मानस को अलग करिए और इस शब्दों के हम जाल से बचिए। जैसे तो सियासी कुरुक्षेत्र में पांडव कौन कौरव कौन हमने बहस करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा कहां कहां तक ये बहस पहुंची।